नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकाहाबाद नगर के में विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष अनिल मैनेजर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नगर की समस्याओं के समाधान किए जाने की मांग की है। सोमवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष अनिल मैनेजर के नेतृत्व में नगर के व्यापारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नगर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं, महनपुरी चौराहे से लेकर प्रतापपुर चौराहे तक सड़क का निर्माण कराने, एटा रोड की सड़क, एंटी लार्वा का छिड़काव, पाइप लाइनों को सही कराने तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने की बात कही। इस अवसर पर ठाकुर सुदीप सिंह, अजय मित्तल, अरुण गुप्ता, प्रिंस जैन, अनुज अग्रवाल सहित कई व्यापारी मौजूद थे। मैं जिला का चैनल मैनेजर, आज मैंने डीएम साहब से ये कहा कि भाई कम से कम शुकाबाद की नगर पालिका की बहुत सी समस्या है, आवारा पशु घूम रहे हैं, उन्हें हटाया जाए। डेंगू महामारी हो सकती है, इसके लिए एंटी लार्वा छिड़काव किया जाए। दुर्गा महोत्सव हो गया है और इसके लिए नालों की सफाई बहुत आवश्यक है। नगर पालिका में कई पाइप लाइन टूटी पड़ी हैं, जिनको सही कराकर पानी की बर्बादी को रोका जाए। और एटा रोड की सड़क बहुत ख़राब है, उसे सही कराया जाए। डीएम साहब ने कहा है कि मैं ईओ से बात करके इसको ठीक जल्द से जल्द ठीक करा दे।